Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 4. What do you think would be the observation if the particle scattering experiment, if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें थिन गोल्ड फॉइल यूज की, ठीक है। तो अगर हम गोल्ड फॉइल ना यूज करें और कोई और मेटल यूज करें तो क्या उसका ऑब्जर्वेशन होगा, ये हमें बताना है। तो अगर कोई भी एक मेटल यूज किया जाता है अदर देन गोल्ड, ठीक है, तो या तो वो एक हैवी मेटल होगा या फिर वो एक लाइट मेटल होगा, इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इन केस द फॉइल इज ऑफ हैवी मेटल, अगर हमने एक हैवी मेटल का फॉइल लिया है जैसे कि प्लैटिनम, तो उस केस में जो गोल्ड फॉइल के साथ हमारी ऑब्जर्वेशंस थी वैसी सेम टू सेम ऑब्जर्वेशंस होंगी, क्योंकि गोल्ड भी अपने आप में एक हैवी मेटल ही है, ठीक है। सो प्लैटिनम अगर हम लेते हैं गोल्ड की जगह या फिर कोई और हैवी मेटल अगर हम लेते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस गोल्ड के साथ हुई थी वही सारी उनके साथ भी होंगी। लेकिन अगर हम लाइट मेटल लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, तो उस केस में जो रेज हैं वो बाउंस बैक ना करें, डिफ्लेक्ट ना करें और ये सब चीजें न्यूक्लियस को जो है वो अफेक्ट ना करें, ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मेटल अगर लाइट है, फाइन, तो लाइट मेटल ना ही बाउंस बैक करेगा उसको, ना ही डिफ्लेक्शन हो गया उसके अंदर। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो डिफ्लेक्शंस हैं और जो बाउंसिंग बैक है वो ऑब्जर्वेशंस डिफर कर जाएं इफ वी यूज अ लाइट मेटल इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो हैवी मेटल में सेम रहेंगी और लाइट मेटल में डिफ्लेक्शन शायद हो सकता है कि ना हो।